मेरे प्यारे देशवासियों, नमो ऐप पर मध्य प्रदेश से बेटी श्वेता लिखती है और उसने लिखा है, सर मैं क्लास 9th में हूँ। मेरी बोर्ड की परीक्षा में अभी एक साल का समय है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स और एग्जाम वॉरियर्स के साथ आपकी बातचीत लगातार सुनती हूँ। मैंने आपको इसलिए लिखा है क्योंकि आपने हमें अब तक ये नहीं बताया है कि अगली परीक्षा पे चर्चा कब होगी। कृपया आप इसे जल्द से जल्द करें। अगर संभव हो तो जनवरी में ही इस कार्यक्रम का आयोजन करें। साथियों, मन की बात के बारे में मुझे यही बात बहुत अच्छी लगती है। मेरे युवा मित्र मुझे जिस अधिकार और स्नेह के साथ शिकायत करते हैं, आदेश देते हैं, सुझाव देते हैं, यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। श्वेता जी, आपने बहुत ही सही समय पर इस विषय को उठाया है। परीक्षाएं आने वाली हैं तो हर साल की तरह हमें परीक्षा पर चर्चा भी करनी है। आपकी बात सही है, इस कार्यक्रम को थोड़ा पहले आयोजित करने की आवश्यकता है। पिछले कार्यक्रम के बाद कई लोगों ने इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपने सुझाव भी भेजे हैं और शिकायत भी की थी कि पिछले बार देर से हुआ था, परीक्षा एकदम से निकट आ गई थी। और श्वेता का सुझाव सही है कि मुझे इसको जनवरी में करना चाहिए। HRD मिनिस्ट्री और माई गाँव की टीम मिलकर इस पर काम कर रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस बार परीक्षा पे चर्चा जनवरी के शुरू में या बीच में ही हो जाए। देश भर के विद्यार्थी साथियों के पास दो अवसर हैं। पहला, अपने स्कूल से ही इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना। दूसरा, यहाँ दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेना। दिल्ली के लिए देश भर से विद्यार्थियों का चयन माई गाँव के माध्यम से किया जाएगा। साथियों, हम सबको मिलकर परीक्षा के भय को भगाना है। मेरे युवा साथी परीक्षाओं के समय हंसते खिलखिलाते दिखे, पेरेंट्स तनाव मुक्त हो, टीचर्स आश्वस्त हो, इसी उद्देश्य को लेकर पिछले कई सालों से हम मन की बात के माध्यम से, परीक्षा पर चर्चा टाउन हॉल के माध्यम से या फिर एग्जाम वॉरियर बुक के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस मिशन को देश भर के विद्यार्थियों ने, पेरेंट्स ने और टीचर्स ने गति दी, इसके लिए मैं इन सबका आभारी हूँ। और आने वाले परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम हम सब मिलकर के मनाएं, आप सबको निमंत्रण है।